चार चार पेपर लीक हो गए और किसानों के बेटे, खून पसीना करने वाले मजदूरों के बेटे, उनके साथ में अन्याय हुआ है। चार चार पेपर लीक होना यह साफ तौर पर गलत है। यह बात दूसरा संत नहीं कहता है, मैंने युवाओं के लिए खूब बोल रहा हूं ताकि यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे। जो पैसे वाले हैं उन्होंने पैसे देकर के पेपर को खरीद लिया, लेकिन मेरा कलेजा तकलीफ पा रहा है। जो युवा कड़ी मेहनत करके, पसीना करके, जिनके पास में पैसे नहीं है, ऐसे लाखों लोगों के साथ में धोखा हुआ है। जिन पेपर लीक करने वाले जो कमेटी है, जो लोग हैं, साफ तौर पर कह रहा हूं, आतंकवादी से भी कम नहीं है। आतंकवादी 10 लोगों को मारता है, लेकिन पेपर लीक करने वाला लाखों लड़कों के भविष्य को मारा है, भविष्य उजाड़ा है। इसलिए ऐसे पेपर लीक करने वालों को अंतिम सांस तक सजा होनी चाहिए और या उन्हें चौराहे पर फांसी होनी चाहिए।